लेकिन यार शुरू कहाँ से करूँ? कोई भी बिजनेस शुरू करने जाओ, तुझे तो पता ही है मार्केट में कितना कंपटीशन है। उसके बाद बिजनेस शुरू भी करो तो टाइम भी चाहिए और पैसे भी चाहिए। उसके बाद तुझे पता ही है सारा टाइम तो मेरा पढ़ाई में चले जाता है, और पैसे की बात करूँ तो वो घर वाले देंगे नहीं मुझे। यार तो पिछले 3 साल से यही बात किए जा रहा है। यार तुझे क्या लग रहा है, मैं बहाने मार रहा हूँ? यार बहानों का पता नहीं, लेकिन तू अपने सपने जरूर मार रहा है। आज से 3 साल पहले मेरे पास क्या था? कुछ भी नहीं। जीरो से स्टार्ट किया था मैंने अपना बिजनेस, और आज मेरे पास काम ही कितना है, बस अपनी कंपनी को मैनेज करना होता है। और आज मेरी कंपनी का टर्नओवर इतना है जितना आज से 3 साल पहले मेरा सपना हुआ करता था। चल छोड़, ये बता पिज्जा खाएगा? क्या सोच रहा है? जो आ रहा है दिमाग में स्टार्ट कर। यार परफेक्शन भी तो कुछ होता है, उसी के चक्कर में मैं कुछ कर पा नहीं रहा। तो तू कुछ ज्यादा बड़ा स्टार्ट मत करना, छोटा ही स्टार्ट कर। शुरू में सबकी हालत एक जैसी होती है। तो किसी भी बिजनेसमैन की स्टोरी उठा के देख ले, सब कंफ्यूज होते हैं स्टार्टिंग में। सबको ये पता होता है क्या करना है, लेकिन किसी को ये पता नहीं होता कि कैसे करना है। क्या आपको पता है Amazon की शुरुआत 1994 में केवल बुक बेचने से हुई थी। जेफ बिजोस ने स्टार्टिंग में ये सोचा होता कि नहीं यार, मुझे तो स्टार्टिंग से ही बड़ा करना है, मुझे स्टार्टिंग से ही परफेक्शन लाना है, तो आज Amazon की शुरुआत ही नहीं हो पाती। हर बड़ी कंपनी की शुरुआत परफेक्शन से नहीं होती, लेकिन हर बड़ी कंपनी शुरुआत। देखा, मैंने कहा था ना, कम बजट और बिना किसी सपोर्ट के भी लोग कर जाते हैं। ओ हेलो, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही आइडिया सोच रहा था। यार तुम 3 साल से बस सोच ही रहे हो, शुरू कब करोगे? हेलो। अरे भैया, मुझे ना एक बहुत अच्छा आइडिया आया है, शाम को मिलते हैं और जरा डिस्कस करते हैं एक बार। यार मुझे ना आप किसी भी आइडिया पे बात नहीं करनी है, ठीक है? एक तो अकेले कमरे में बैठे बैठे है ना, सोच सोच के मैं खुद से ही बात करने लग गया हूँ। इनफैक्ट मैं तो ये चाह रहा हूँ कि जो मैंने सोचा है ना, उसे अभी से स्टार्ट करूँगा। हेलो हेलो हेलो, ये फोन तो 2 महीने से बंद है।